पहले ICO, फिर DeFi, फिर मीम कॉइंस और 2021 में ट्रेंड था NFTs का। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि 2022 में किस चीज का बड़ा ट्रेंड रहने वाला है। क्या वो DAO है? क्या आपके लिए DAO 100x अपॉर्चुनिटी है? वो जानेंगे हम इस वीडियो में। जैसे आजकल हर कोई NFTs के बारे में जानना चाहता है, NFTs में इन्वेस्ट करना चाहता है, वैसे ही एक समय आएगा जब DAO भी इतने ज़्यादा पॉपुलैरिटी रहेगी, हर कोई उससे जुड़ना चाहेगा। और आपने भी एकदम सही समय पे ये वीडियो पे क्लिक करा है, क्योंकि मसारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 2022 इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ DAOs। मैं फ्यूचर तो देख नहीं सकता हूं, बट आपको प्रिपेयर जरूर करवा सकता हूं। बस आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। आज हम सीखेंगे DAO होता क्या है, आप DAO से पैसे कैसे कमा सकते हो, कौन से ऐसे बेस्ट टूल्स हैं जिनसे आप DAO प्रोजेक्ट्स ढूंढ सकते हो, और 3 ऐसे DAO प्रोजेक्ट जिसमें मैंने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है। बस आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। DAOs का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक कोड से चलती है जिस पर मेंबर्स ने एग्री किया हो। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि कोड से कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल सकती है। इसमें हेल्प करेगा हमारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कोड्स का कलेक्शन होता है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर रन होता है। पर ये ब्लॉकचेन क्या होता है, ये डिसेंट्रलाइज डिजिटल लेजर होती है, जिसको मैंने काफी डिटेल में समझाया इस वीडियो के अंदर, तो आप उसको बाद में चेकआउट कर सकते हैं। हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रूल्स सेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। चलो अपन कंपेयर करते हैं एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को DAO के साथ। बड़ी कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, Amazon, ये इसके बड़े इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, उनके बोर्ड मेंबर्स। और वही डिसीजन को बोर्ड मेंबर ट्रांसफर करते हैं CEO के ऊपर, और वो CEO का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। और एक DAO को आप बड़े से हॉल की तरह समझ सकते हो, जिसमें वो DAO के सारे मेंबर्स होंगे, और उनमें से कोई सा मेंबर उठ के अपने सजेशन रख सकता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है कि ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं DAO के अंदर, और उसके ऊपर सारे मेंबर्स अपने अपने वोट करेंगे, यार ये सजेशन मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं। और वो सजेशन मेजॉरिटी मेंबर्स को पसंद आता है तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी आप ये समझ सकते हो एक टोकन को एक वोट की तरह। और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में रूल्स लिखे हुए हैं वो सिर्फ चेंज तभी हो सकते हैं जब वोटिंग हुई गई हो। इसलिए DAO काफी ज्यादा डेमोक्रेटिक है इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बट DAO को क्या चीजें सबसे ज्यादा खास बनाती है, सबसे पहले तो नो हायरार्की स्ट्रक्चर। इसमें कोई हायरार्की फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपने नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखी होगी तो सबसे टॉप पर होते हैं बोर्ड मेंबर्स, फिर होते हैं CEOs, फिर होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, फिर होते हैं सीनियर मैनेजर्स, एंड द लिस्ट गोज ऑन, और सबसे आखिरी में होते हैं इंटर्न्स। बट DAO के अंदर ऐसा नहीं होता है। DAO में आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप अपने इनोवेटिव आइडियाज पूरी कम्युनिटी के सामने ला के रख सकते हो और उसको प्रेजेंट कर सकते हो। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटर्न के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि डायरेक्टली वो CEO को अपने सजेशंस या अपने आइडियाज बता सके। सेकेंड पॉइंट है ट्रस्टलेस। यहाँ पर आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई मिडिल मैन ही नहीं है, ना कोई CEO है, ना कोई मैनेजर है। यहाँ पर बस आपको एक चीज के ऊपर ट्रस्ट करना जरूरी है, वो है कोड्स, कि कोड्स अपना काम अच्छी तरीके से करें। थर्ड पॉइंट है DAO कैन नॉट बी शट डाउन। ऐसा नहीं हो सकता कि कल को RBI आ जाए, FBI आ जाए, खुद इंडियन गवर्नमेंट आ जाए और बोले कि इस DAO को बंद करो, क्योंकि यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जिसकी कॉलर पकड़ के ये बोल सकते हैं कि कल से कल इसको बंद कर देना। यहाँ पर पूरी कम्युनिटी उसी ओनर है। फोर्थ पॉइंट है पब्लिकली ऑडिटेबल। ये पूरा ओपन सोर्स होता है, 100% ट्रांसपेरेंट। कल को आप भी किसी DAO का पार्ट बनना चाहो तो जाकर आप उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकते हो, आप उसके कोड्स देख सकते हो, यहाँ तक कि आप उसमें बग्स फाइंड करके उसमें इंप्रूवमेंट के प्रपोजल्स तक दे सकते हो। अब DAOs में कुछ डाउन साइड्स भी हैं, जैसे वल्नरेबल टू अटैक्स बाय अटैकर्स। जैसे कि आपको पता है कि DAOs ओपन सोर्स होते हैं और 100% ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो कुछ बैड एक्टर्स लाइक हैकर्स वगैरह उसको देख सकते हैं, उसके कोड्स को उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और उसको रिवर्स इंजीनियर करके उस पर DAO के ऊपर अटैक कर सकते हैं और हैक भी कर सकते हैं। और उससे इससे पहले और बहुत बार बहुत सारे DAOs अटैक हुए भी हैं और वो फेल भी हुए हैं। सेकेंड डाउनसाइड ये है कि नो बिजनेस सीक्रेट्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ने के लिए उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उसमें समय और पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। बट DAO में हर चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, तो आपको कोई कॉम्पिटिटर DAO है तो वो बहुत ईजिली आपके कोड्स को कॉपी पेस्ट कर सकता है, आपके DAO के प्रपोजल्स देख सकता है, तो यहाँ पर कोई कुछ सीक्रेट्स ही नहीं बचते हैं। थर्ड जो मुझे सबसे बड़ा डाउनसाइड लगा है DAO का, कि यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट और व्हेल्स बहुत इजीली डोमिनेट कर सकते हैं, अब्यूज़ कर सकते हैं DAO को अपने पैसे के पावर से।
ये बात तो आपको ही पता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट और व्हेल्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो वो ईजिली बहुत सारा टोकन्स बाय कर सकते हैं किसी भी डाओ का और वहाँ पर अपने फेवर के लिए और पूरे डाओ को डोमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन फिर बच ही नहीं जाता है, उन लोगों के हाथ में पावर आ जाती है। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि आप किसी डाओ का मेंबर कैसे बन सकते हो, तो यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं। फर्स्ट जो सबसे इजी तरीका है वो है गवर्नमेंट्स टोकन। ये परमिशन लेस होता है, आप किसी भी एक्सचेंज से जाके कोई भी डाओ का टोकन बाय कर सकते हो जिससे वहाँ का आपको वोटिंग राइट मिल जाता है। इसके जो काफ़ी फेमस एग्जाम्पल्स हैं वो है मेकर डाओ प्रोजेक्ट हो गया, एक यूनिस्वॉप हो गया और कंपाउंड। सेकेंड टाइप होता है शेयर्ड बेस मेंबरशिप। ये परमिशन लेस नहीं होता है, यहाँ पर आपको परमिशन लेनी पड़ती है एक डाओ का पार्ट बनने के लिए। वहाँ पर आपको प्रपोजल देना पड़ता है कि आप में क्या वैल्यू है कि आपको उस डाओ का पार्ट बनाया जाए। इसका जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है मोलाज डाओ, जो कि इथीरियम के प्रोजेक्ट्स में साथ में मिलकर इन्वेस्ट करते हैं। बस आपको अभी थोड़ी देर में मैं अपना सीक्रेट टूल बताने वाला हूँ और तीन टोकन्स डाओ के जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं फटाफट से कि कितने टाइप के डाओ होते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डाओ, इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि बहुत सारे मेंबर साथ में आते हैं, अपना पैसा पूल करते हैं, फिर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ और असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसका जो सबसे ज़्यादा फेमस एग्जांपल है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डाओ, जिन्होंने करीबन 47 मिलियन रेज कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बाय करने के लिए, बट वो फेल हो गए। और इसका एक और एग्जांपल है फ्लेमिंगो डाओ, जो कि अलग अलग एनएफटीज़ में इन्वेस्ट करते रहते हैं और अगर आपके डाओ को प्रॉफिट होता है तो वो स्प्लिट कर देते हैं सारे मेंबर्स के बीच में। सेकेंड टाइप है प्रोटोकॉल डाओ, ये मेनली डीफाई प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे मेकर डाओ, कंपाउंड, यूनिस्वॉप। इसमें मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि कितनी फीस रखनी है, क्या अपग्रेड्स लेकर आने, क्या क्या चेंजेस करने हैं। थर्ड टाइप है सोशल डाओ, एक ऐसी कम्युनिटी जो कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के ऊपर बनी हुई होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। वो वाला बेनिफिट्स नहीं जो कि आप सोच रहे हो, ये प्राइवेट सोशल क्लब है जो कि प्राइवेट इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और अगर आपको इनका मेंबरशिप लेनी है तो आपको इनके टोकन्स होल्ड करने पड़ेंगे। एंड और भी बहुत सारे टाइप के डाओज होते हैं, लाइक कॉमर्स डाओ, मीडिया डाओ, सर्विस डाओ, कलेक्टर डाओ, एंड द लिस्ट गोज ऑन। ये पॉसिबल मालूम है क्यों है? क्योंकि डाओज काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और मेरे हिसाब से तो अभी इन सब की शुरुआत हो रही है, तो आगे जाके आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप की रेंज मिलेगी डाओज में भी। तो आ जाइए स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको काफ़ी अच्छा टूल बताता हूँ। इस टूल का नाम है deepdao.io। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी डाओ से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर टोटल AUM, AUM का फुल फॉर्म होता है असेट्स अंडर मैनेजमेंट, तो यानी अपन ये बोल सकते हैं कि $10 बिलियन तक डाओ के अंदर लॉक्ड हैं और करीबन 165 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 188 डाओज हैं और करीबन ऑर्गेनाइजेशंस में मेंबर है 1.3 मिलियन। और यहाँ पर आपको सारी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम मिल जाएगा, जैसे यूनिस्वॉप, बिट डाओ, लीडो, आवे, बहुत सारे हैं, तो करीबन यहाँ पर बहुत ही सारे हैं, तो आप यहाँ पर बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स भी ढूंढ सकते हो। और यहाँ पर जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा वो है गवर्नेंस फीड। यहाँ पर आपको सारे टॉप एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे, जैसे डिसेंट्रलैंड, पैनकेक, यहाँ पर लिखा हुआ है कितने डिसीजंस लिए इन्होंने पूरे वीक के अंदर। तो ये काफ़ी बढ़िया टूल है जिससे आप काफ़ी नए नए प्रोजेक्ट्स को फाइंड कर सकते हो। सेकेंड टूल मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है आपको पता ही हो, उसका नाम कॉइन मार्केट कैप, पर आपको कॉइन मार्केट कैप में लिखना है coinmarketcap.com/DAO, ठीक है, ताकि आपको सीधे डाओ वाले प्रोजेक्ट से मिले। तो यहाँ पर यूनिस्वॉप सबसे टॉप पे है, फिर आवे है, कर्व डाओ, बहुत सारे आने आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे और यहाँ से आप डायरेक्टली इन प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च भी कर सकते हो। तो जो टॉप 3 प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताने वाला था, इनमें मैंने खुद इन्वेस्ट करा हुआ है, वो है सबसे पहले यूनिस्वॉप, सेकेंड है आवे और थर्ड है सिंथेटिक्स। तो अब इन प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर मैं डिटेल में बताने गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी और किसी वीडियो में उनके बारे में डिस्कस करूँगा। और इन प्रोजेक्ट्स में मैंने टू बी ऑन ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाया है, अभी भी मैंने बेटर प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहा हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आपको बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, एकदम से मत खुद जाना, अच्छी तरीके से पहले उसके बारे में रिसर्च करना। और ज़रूरी नहीं है कि ये 3 प्रोजेक्ट्स में मैंने इन्वेस्ट करा तो आप भी आके इन्वेस्ट करो, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, रिसर्च करेगा, हो सकता है आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएं जो कि आपको बहुत अच्छा अच्छा रिटर्न दें। तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या डाओ $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी है, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल डाओ $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। और डाओ आगे जाके और बड़े होते हैं और ज़्यादा ट्रेंड में आते हैं, तो मगर जब कोई नई चीज़ ट्रेंड में आती है ना तो बहुत सारे स्कैम्स को भी साथ में लेकर आती है। तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या डाओस $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी है,
मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल डाओ मिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और ये ट्रेंड हो सकता है बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो भी सही, तो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए। पर आपको एक बात याद रखनी है कि डाओ नई चीज़ नहीं है। जो सबसे पहला डाओ आया था वो आया था 2016 के अंदर, जिसका नाम था द डाओ, और उसमें इन्वेस्टर के करीबन 150 मिलियन डॉलर्स लगे थे जो कि हैक होके फेल हो गया। तो आप ये समझ के चलो आगे जाके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो कि फेल होंगे, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि स्कैम ही होंगे, जो कि इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको अपनी ड्यू डिलीजेंस लगा के एक वाइज डिसीजन लेना है। किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते समय फोमो के अंदर मत आइएगा, क्योंकि कोई भी नया ट्रेंड आता है ना तो वो अपने साथ बहुत सारे स्कैमर्स को भी लेकर आता है, पर आपको अपने पैसों को उन स्कैमर से बचाना है। सो प्लीज़ प्ले केयरफुली एंड आई होप दैट कि आप बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करो डाओस के अपॉर्चुनिटीज़ में, और मैं आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लाते रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन दबा दो, और फिर मिलूँगा आपसे जल्दी एक नई एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।